इस समय हम अयोध्या में खड़े हैं और बता दें कि 22 तारीख को लेकर के तैयारियां जोरों पर है, सरगर्मियां जोरों पर हैं। और आपको बता दें कि यह जो है नया स्टेशन रामघाट हाल्ट करके नया स्टेशन बनाया गया है। यहां से भगवान राम मंदिर की दूरी जो है तकरीबन 2.5 किलोमीटर है और यहां से जो भाविक और यहां के लोग होंगे जो आएंगे बाहर से, यहां से आराम से यहां से जा सकते हैं और भगवान रामलला का दर्शन कर सकते हैं। इसके लिए युद्ध स्तर पर यह काम किया गया। पिछले 10 दिनों में यह रेलवे स्टेशन बनाकर तैयार किया गया है। जो राम जन्मभूमि स्टेशन बनाया गया है उससे तकरीबन यह 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से लोग जो है आसानी से जाकर दर्शन कर पाएंगे। मेरे से बातचीत करने के लिए यहाँ पे राजेश्वर उपाध्याय जी हैं। राजेश्वर उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये स्टेशन को इतने तेज़ी से निर्माण किया गया और यहाँ पे लोगों को सुगमता को देखते हुए यहाँ से लोग आसानी से जा सकते हैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर में राम मंदिर है और वहाँ दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर श्री भगवान राम का मंदिर है, यहाँ पे सुगमता से और आसानी से जा सकते हैं। 22 तारीख को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। हम लोग जनपद कौसाम्बी से यहाँ पर ड्यूटी में आए हैं दिनांक 15 फरवरी तक के लिए, और हम लोग अपने कर्मठता से पूरी ड्यूटी कर रहे हैं और जिससे कि जनता को पूरी सुविधा दे सकें। ये भगवान राम की नगरी है, इस नगरी में हम लोग अपने कर्मठता के लिए आए हैं, अपनी ड्यूटी के लिए। आपको बता दें कि बाजू में आप देख सकते हैं, इसको राम मंदिर के तर्ज पे यहाँ पे सजाया जाएगा। इसका काम युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है और यह लोगों के लिए अभी यहाँ से 3 से 4 गाड़ियाँ प्रतिदिन मेल गाड़ियाँ जाती हैं। जो लोग आते हैं यहाँ से उतर करके, काफ़ी नज़दीक ही है जो राम जन्मभूमि है, और यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, भगवान रामलला का दर्शन करते हैं। और यह युद्ध स्तर पर काम करके इसे 10 दिनों में तैयार किया गया है। कैमरा मोहन दुबे के साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।